तो साथियों आज ऐसा करते हैं ना कि हम खुद चलते हैं माला पे, तो आपको करते हैं वहां पे एंटरटेन, और आप देखिएगा लाजिम आपको मजा आएगा वहां पे। एक स्टेडियम भी है जो कि बड़ा जबरदस्त स्टेडियम है, जिसका नाम बयान स्टेडियम है, वहाँ है। अच्छा, उसके साथ एक मेट्रो ट्रेन भी है, जरा आपको बताते हैं, वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है, वो मेट्रो ट्रेन है यहाँ पे चलती है। देखिए ये सारी चीजें। अच्छा ये हमारे पास भाई हैं और हम साथ में ट्रेवल करते हैं, तकरीबन साथ ही साथ होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम साथ ही रहें। नहीं नहीं अभी साथ नहीं रहेंगे। तो ये हमारे पास भाई जो है ना, थोड़े मेरे से नाखुश है, क्योंकि मैं थोड़े नहीं, मैं बहुत नाखुश, बहुत ज्यादा नाखुश है। मैं कभी कभी आपको धूप भी देता हूँ कि भाई मैं आपके साथ। अच्छा, अभी ये हम बस पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, ये अगर कट ले तो यहाँ चले जाते हैं। नहीं जाते हैं, हम दूसरा कट लेंगे जी। ये आप देख सकते हैं, ये दूर से अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमारा स्टेडियम, यहाँ पे अभी कुछ ही दिनों में, एक दो महीने के अंदर यहाँ पे मैचेस शुरू हो जाएंगे, और ये कुछ एकोमोडेशन बनाई है इन्होंने। अगर आप देखें वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे आपके फैन रहेंगे, यहाँ पे स्टेडियम है। इसके साथ साथ आप एक ट्रैक देख रहे होंगे, ये ट्रेन जाता है जी मेट्रो ट्रेन, जिसको हम कहते हैं जी, ये मेट्रो ट्रेन है, ये अल रफा स्टेशन है। यस जी, इसकी बहुत सारी स्टेशन हैं, तो उनमें से एक ये है आपकी अल रफा स्टेशन, माल ऑफ कतर, स्टेट ऑफ द आर्ट माल ऑफ कतर। ये आप देख सकते हैं, ये इनका अमीरी गार्ड है, ये जो अमीर के साथ उसकी सिक्योरिटी होती है, ये उनके लिए बनाया गया है, जिसको हम पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं पर भी छावनी कहते हैं, या बैरक्स कहते हैं, फौज के बैरक्स। ये काइंड ऑफ फोर्स है जो कि अमीर को प्रोटेक्ट करती है, खास अमीर को प्रोटेक्ट करती है। कैसे ये जी, अच्छा ये बात भाई की, मेरी बात से सहमत है, वो तो भाई होता है कि वो होते नहीं है सहमत, मगर आजकल राउंड अबाउट आ गया। अच्छा, ये राउंड अबाउट हम दिन में 50 मरतबा जा सकते हैं। यस यस यस, मगर आपको आज दिखा रहे हैं हम, क्योंकि इन रस्तों पर हम घूमते रहते हैं। आज हमने सोचा कि हम अपने फॉलोअर्स को, अपने जो कि बहुत कम है मगर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखते हैं, ठीक है जी, ये आपके जिसको आप कहते हो ना दरख्त पेवन कारी, ये उन्होंने बनाया है, इसका आप देख सकते हैं ग्रीनरी बड़ी अच्छी है। यस, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है। आप इसको कह सकते हैं कि जी 2016 के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तब्दील है। ऐसे ही जी 2016 में मैं यहाँ पे आता था, मैं देखता था कि यार ये वर्ल्ड कप होता है मगर कैसे होगा, कैसे, क्योंकि यहाँ तो रोड ही नहीं है, मगर अब अगर आप देख सकते हैं ये रोड्स वगैरह कितने ज़बरदस्त हैं। और ये आप बसें देखें, आप करीब से देख लें, ये आप करीब से बसें देख लें, ये फीफा वर्ल्ड कप की बसें हैं जो कि फैंस को लेके जाएंगी, बड़ी कलरफुल हैं, बड़ी प्यारी हैं, और होपफुली ये जो फैंस होंगे उनको बड़े इंटरटेन करेंगे। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनमें ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, मतलब जीरो कार्बन इमिशंस हैं, जीरो कार्बन इमिशंस मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो अभी आप ये देख सकते हैं हम माला कतर की तरफ राइट ले चुके हैं, बस आपका इंतजार जो है खत्म होने वाला है, और ये आपका मेट्रो का ट्रैक जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये आपके सामने देखिए ये अलरैन फंदक है, फंदक तरवी का लफ्ज़ है, ये होटल बुला जाता है, तो ये अलरैन होटल है, इसके साथ साथ कुछ रिहायश भी हैं, और ये आपका माला कतर का एक्सटीरियर है, आप देख सकते हो ये अल रफा स्टेशन है जो हम आपको दूर से दिखा रहे थे, अब आप करीब से देख सकते हो इसको, अब आप ये अल रफा स्टेशन को करीब से देख सकते हैं, और आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप एक्सटीरियर देखिए जरा माल ऑफ कतर का, और ये आपकी डिजाइन वो कश्ती जैसे बना, यस बिल्कुल कश्ती के जैसे बना हुआ है, और ये आपका माल ऑफ कतर है जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉल जिसको कहते हैं कतर में। और ये इसकी आप बहुत एक्सपेंसिव है माल ऑफ कतर, बहुत, यस यस, इट्स इट इज टू मच एक्सपेंसिव, बट दैट इज वंडरफुल वंडरफुल डेस्टिनेशन। और ये आप इसका देख सकते हैं एक्सटीरियर किस तरह का गया है, और वर्ल्ड कप के दौरान इसको बहुत सजाया जाएगा, वर्ल्ड कप में भी हार्डली 45 डेज रिमेनिंग है, तो आप देख सकते हैं ये माल ऑफ कतर। हमारे साथ रहिए, हम इंटर होके आपको अंदर में सारा भी लाजम दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं।
के गेट्स हैं, हम पार्किंग एरिया में जाएंगे, पहले पार्क करेंगे और फिर आपको अंदर लेके जाएंगे। हमारे पास गाड़ी है बड़ी, उसकी पार्किंग का थोड़ा सा मसला बनता है। ये आप पार्किंग देख सकते हैं इसकी, और ये हमने गाड़ी पार्क कर ली है। ठीक है बस भाई, पार्किंग हो गई है, ये पार्किंग हो गई है जनाब। तो अब हम निकलते हैं आगे वाली मंजिल की तरफ, फिर आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। ठीक है जी, लेट्स गो। डांसिंग फाउंटेन है जो कि शाम के वक्त बड़ा नजर अच्छा होता है, मगर नो डाउट नाराज ना हो, इसलिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है।